देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर महादेव, भगवान नागेश्वर, नागों के ईश्वर, जहाँ पर कई लोग नाग भी दान में करते हैं, और ये दर्शन वाकई में महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा महसूस हो रहा है, भोलेनाथ का तो दर्शन करके आदमी धन्य हो जाता है। ये भगवान नंदी, इनके कान में अगर कुछ कहेंगे तो सीधे भोलेनाथ तक बात पहुँच जाएगी। जी नमस्कार, भारत भ्रमण के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। क्योंकि आज सावन का 5वां सोमवार है और हम गुजरात में घूम रहे हैं, इसलिए आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। हम यहाँ की महिमा भी आपको बताएँगे, लेकिन आपको देरी ना करते हुए हम सबसे पहले यहाँ के दर्शन करवाते हैं। अंकित, जरा भगवान नागेश्वर के दर्शन करवा लीजिए, बड़ा ही महत्व है। देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर महादेव, द्वारका में स्थित ये ज्योतिर्लिंग जंगलों में बसा हुआ है, और वाकई में इस ज्योतिर्लिंग का बड़ा ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर आपने दर्शन कर लिए तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग का टिकट आपका कट जाएगा। और भी कई सारी महिमा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है नागों के ईश्वर, यानी कि भगवान शिव के गले में आप सांप देखते होंगे, और दुनिया में जितने भी नाग हैं उनके ईश्वर नागेश्वर, श्री नागेश्वर महादेव, वो महादेव जिन्होंने सृष्टि रची है, जिन्होंने सब कुछ रचा है, और काफ़ी तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं। सावन का आज 4वां सोमवार है, इसलिए ये दर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार और अंकित, आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दीजिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इन्हें कहा जाता है, भगवान नागेश्वर, नागों के ईश्वर। यहाँ पर कई लोग नाग भी दान में करते हैं, और ये दर्शन वाकई में महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके दर्शन मात्र से ही स्वर्ग का टिकट आपका फाइनल हो जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। चूँकि ये मंदिर जंगल में बसा हुआ है, इसलिए कई लोग इसके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पा रहे हैं। कई सारे भक्त यहाँ पर खड़े हैं, कैमरा घुमा कर इन्हें भी दिखा दीजिए। हम इनमें से कुछ लोगों से बात भी करना चाहते हैं। ये भगवान नंदी, इनके कान में अगर कुछ कहेंगे तो सीधे भोलेनाथ तक बात पहुँच जाएगी, ऐसी मान्यता है। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक है, भोलेनाथ कृपा है। क्या क्या महिमाएं हैं नागेश्वर भगवान? अभी हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन प्रभु के शरण में जो कोई आता है सारी मनोकामना पूरी होती है। हम लोग अयोध्या वासी हैं, अयोध्या से आए हैं। अरे क्या बात है, जय श्री राम। फिर तो आप जय श्री राम। जय मंदिर बनने वाला है, कैसा लगा? एकदम भव्य मंदिर बन रहा है ना, जरूर आएंगे, वहाँ की स्टोरी कवर करेंगे, वादा रहा। जी 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 जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा महसूस हो रहा है, भोलेनाथ का तो दर्शन करके आदमी धन्य हो जाता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नाग नागेश्वर, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी पहली बार आए हैं, अयोध्या वासी हैं हम भी। अच्छा लगा आपको मंदिर में आके? बहुत अच्छा, बहुत शांति। हम तो यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं। अच्छा जी, काफ़ी अच्छा लगा हमको, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। बड़ा वाकई में बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो काफ़ी सारे दर्शक यहाँ पर आते हैं, नागों का दान करते हैं, और जिन लोगों को सांप डस लेते हैं, सर्पदंश की जिनको बीमारी रहती है, मान लें जिनको सर्पदंश हो जाता है, वो यहाँ पर आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग दान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि फिर उनके आसपास भी सांप नहीं भटकते हैं, क्योंकि नागों के ईश्वर को आपने मना लिया है, नागेश्वर को आपने मना लिया है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और ये मंदिर बड़ा भव्य बना हुआ है, एक बार मंदिर की छवि भी हम दिखा देते हैं। बड़ा ही भव्य मंदिर, सामने माता रानी विराजमान, और कमाल का मंदिर है ये। कभी आपका द्वारका आना हो, कभी आपका गुजरात आना हो, तो इस मंदिर में आए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि
ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जिन लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर लिए, तो वाकई में वो आदमी का जो जीवन है मनुष्य योनि अपने आप में सफल हो जाती है, अपने आप में सार्थक हो जाती है। हमने आपको सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन इसलिए करवाए हैं क्योंकि अभी हम गुजरात में हैं, हम थोड़ा टूर पर निकले थे दोस्तों के साथ, तो राजगढ़ की स्टोरी इस वाले सोमवार को हम कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस चैनल के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महान ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करवाए हैं। भगवान नागेश्वर की कहानी, भगवान नागेश्वर की महिमा, भगवान नागेश्वर के दर्शन आपको बहुत पसंद आए होंगे, उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह आप इसे भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महादेव।